So hello everyone and a very very warm welcome to everyone on my channel. I hope you all are doing good and aapki taiyari bahut achhi chal rahi hai. Aiye resume karte hain apni series ko and from today we are starting with teaching aptitude again. Pichle kuch dinon mein hum log continuously research aptitude ke topics ko karte hue aa rahe hain because the topics were interrelated and I did not wanted to break them up ki hum log teaching aptitude kare fir research aptitude kare. Continuously hum log ne kuch important topics research aptitude ke cover kiye hain and the same thing I am going to do with teaching aptitude जहाँ पे आपको कुछ continuous and interrelated topics मिलेंगे continuous classes के जरिए. तो आइए हम लोग start करते हैं and let us see which is that topic which is interrelated and very important at the same time. As you can see on your screens, हम लोग का आज का जो topic है evaluation. If you have given the exam, NET exam, कभी भी पहले आपने दिया है, आपने और कोई exam दिया है, तो you must know कि evaluation से एक question आपका आता ही आता है. आपका चाहे फॉर्मेटिव से आए, सबमिटिव से आए, डायग्नोस्टिक से आए या फिर आपका प्लेसमेंट से आए, ये आपके चार मेन टाइप की इवैल्यूएशन है. और भी बहुत सारी टाइप की इवैल्यूएशन है जो आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगी, बट फॉर टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इवैल्यूएशन एंड अंडर देम जितने हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स आते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इवैल्यूएशन के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं या इवैल्यूएशन को हम लोग किताबी भाषा में ना जज करके अगर बात करें, तो इवैल्यूएशन इज बेसिकली टेस्टिंग समथिंग. आपने किसी पर्टिकुलर स्किल को सीखा, किसी कोर्स को किया, आप उसको इवैल्यूएट करते हो, टेस्टिफाई करते हो जस्ट टू नो कि वो आपको कितना आया है, आपकी कितनी मास्टरी हुई है, आपको कितनी अच्छी तरीके से आया है या नहीं आया है. सिंपल यहाँ पे जो लिखा हुआ है हम लोग उसको एक बार पढ़ेंगे. द इवैल्यूएशन सिस्टम्स हेल्प्स इन असेसिंग द The evaluation system helps in assessing the whole teaching learning process so that the best practices can be scaled up or continued and the backlogs can be removed or addressed. जाहिर सी बात है, अगर हम लोग का एग्जाम लिया जाता है या हम लोग को इवेल्युएट किया जाता है तो उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ये जज करना कि बच्चे को कोई भी पढ़ाई, कोई भी स्किल, कोई भी अंडरस्टैंडिंग कितनी आई है और कितना उसको आगे पुशअप करने की जरूरत है एंड कौन सी वो कमियां हैं जो उसको अभी मींस उसको बेटर करने की जरूरत है. यही आपके इवेल्युएशन का काम होता है. तो आपका एक दो क्वेश्चंस इससे भी बने हैं कि आपको इवेल्युएशन प्लान को जज करके पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. सो सबसे पहले आपका इवेल्युएशन का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है पर्पस या ऑब्जेक्टिव. आपकी टीचर आपका टेस्ट लेती हैं किस ऑब्जेक्टिव से, उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा क्लियर होता है क्यों आपका इवेल्युएशन किया जाता है, टेस्ट लिया जाता है, ताकि वो जज कर पाए, एसेस कर पाए कि बच्चे को कोई चीज आई है या नहीं. देन जब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, आपका रिसोर्स मेजरमेंट टूल, आपका जो टेस्ट लिया जाता है वो एक टाइप का मेजरमेंट टूल होता है कि मैं इस तरीके से टेस्ट लूंगी तो मैं जज कर पाऊंगी कि मेरे बच्चे को आया है या नहीं. तीसरा आपका पॉइंट होता है टेस्ट हो जाने के बाद, टेस्ट कॉपीज भी तो चेक होती हैं, वो है हमारा एनालिसिस जहाँ पे बच्चों का डेटा कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है एंड देन द टीचर इंटरप्रेट्स एंड द लास्ट स्टेप विल बी रिपोर्टिंग. हम लोग को मार्क्स मिलते हैं एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्शन आगे फर्दर लिया जाता है कि यू आर डूइंग गुड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक या फिर इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर यू नीड टू बक अप. ठीक है, तो ये हम लोग की बहुत ही सिंपल सी चीज हुई जहाँ पे हम लोग ने इवैल्यूएशन को जाना. उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपने जाना कि पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, देन आप उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो टूल्स यूज करते हो, मतलब कि बच्चे का टेस्ट लेते हो, टेस्ट लेने के बाद उसकी टेस्ट कॉपी को कलेक्ट करोगे, मतलब डेटा कलेक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, लास्टली उस एनालिसिस के ऊपर आप बच्चे को मार्क्स दोगे एंड आगे आप देखोगे कि अब आपको आगे क्या करना है. अब जो आपका इवैल्यूएशन होता है ना बेटा, वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मेटिव, एक होता है सबमिटिव. इफ यू हैव बीन कंटिन्यूइंग माय क्लासेस और अटेंडिंग माय क्लासेस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आई टोल्ड यू पीपल इन रिसर्च एप्टीट्यूड हम लोग ने फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव रिसर्च की थी. आई टोल्ड यू कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट होकर आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में आने वाला है. सो टुडे इज दैट डे. फॉर्मेटिव का बहुत ही सीधा सा आपका मतलब है एक ऐसे टाइप का इवैल्यूएशन जो पढ़ाई करते करते, पढ़ाई करते दौरान, व्हाइल, ड्यूरिंग,
आपकी पढ़ाई करते करते ही टीचर आपसे ले सकती है, उनको स्पेशली कोई टेस्ट लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर छोटे छोटे टेस्ट आपकी टीचर अगर आपको पढ़ाते पढ़ाते क्लास में क्वेश्चन पूछ लेती है उठा के, तो वो भी बेटा आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा। ओके, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैन बी डिफाइंड एज अ क्लासरूम इंटरैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू नो द स्टूडेंट्स लर्निंग स्टेटस। भाई मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको अचानक से बोलूँ कि बताओ मैं हम लोग ने उस दिन क्या पढ़ा था एंड कमेंट करके जल्दी से बताओ, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा क्लासरूम के टाइम में ही जो इंटरैक्शन हमारा चल रहा है, एंड सडनली आई आस्क यू अ क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आ जाएगा, जहां पे टीचर आपसे एक छोटा सा ही क्वेश्चन पूछ लेती है ये जानने के लिए कि बच्चे को आ भी रहा है या नहीं। अकॉर्डिंगली अ टीचर कैन स्ट्रेटजाइज एज टू विच टॉपिक्स नीड मोर एक्सप्लेनेशन एंड वॉट टॉपिक्स विच आर क्लियर टू द स्टूडेंट्स। ऐसा करने से अचानक से कोई डिफिकल्ट टॉपिक चल रहा है, बच्चों को खड़ा करके अगर आपने सवाल पूछ लिए तो टीचर विल एग्जैक्टली नो कि मेरे बच्चों को समझ में भी आ रहा है या नहीं, या फिर आई नीड टू चेंज माई एक्सप्लेनेशन स्ट्रैटेजी, मुझे हिंदी में बताना पड़ेगा, मुझे ज्यादा एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, मुझे बच्चों को बाहर ले जाके दिखाना पड़ेगा ये टॉपिक को समझाने के लिए, वो स्ट्रैटेजाइज कर सकती है उसी टाइम क्वेश्चन पूछ के। भाई अगर आप साल के अंत में आने वाले एग्जाम पेपर पे रिलाय करोगे कि जब बच्चे वो एग्जाम देंगे तब मैं जज करूंगी, तब तक तो गाड़ी आपकी छूट चुकी होगी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका एक ऐसा टाइप का असेसमेंट होता है जहां पे टीचर पढ़ाते पढ़ाते ही आपसे क्वेश्चंस पूछ लेती है जज करने के लिए, एक फीडबैक पाने के लिए कि बच्चों को आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर एंड द स्टूडेंट्स बोथ। एंड ये सिर्फ टीचर के लिए ही नहीं काम आता है कि बच्चे से खड़े होकर क्वेश्चन पूछ लिया या एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट ले लिया, ये बच्चों के भी बहुत काम आता है कि उनको पता लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ मुझे समझ में भी आ रहा है या नहीं। आई आस्क यू नो पीपल कि जल्दी से अब मैंने आपको पढ़ा दिया है कमेंट करना स्टार्ट करो, मैं देखूँ कि आप लोग कमेंट कर पा रहे हो आपको आ रहे या नहीं। सो थ्रू दिस आई एम ट्राइंग टू नो कि मेरे पढ़ाते पढ़ाते ही आपको आया है या नहीं, एंड बच्चों को आपको भी मिलता है इस बात का कि मैंने थोड़ी सी ही आधे घंटे की क्लास की एंड उसके बाद मैं क्वेश्चंस लगा पा रहा हूं, तो इसका मतलब इट इज अ काइंड ऑफ फीडबैक कि हाँ मुझे सब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हुआ ना बेटा वो इनफॉर्मल आएगा, जितना भी आपका हाईलाइटेड है आई ऑलवेज टेल यू कि वो इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स का काम करेंगे। आपके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट के वो हो जाएंगे आपके टेस्ट, क्विजेस, डिस्कशंस, हम लोग जैसे क्लास में कभी कभी डिस्कशन करते हैं ये भी आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। अचानक से कोई क्विज पूछ लिया कि अच्छा बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा। टीचर ने अचानक से सरप्राइज टेस्ट ले लिया, यूनिट टेस्ट ले लिया, या खड़े करके क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ये सब सारी चीजें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर आ जाएंगी। नाउ आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू जो आपके लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत इजी करने वाला है। आई हैव सीन ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस एंड नेट आपका किस किस तरीके से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस पूछ चुका है उसकी पूरी समरी है आपके इस पेज के अंदर। कुछ नए क्वेश्चंस एंड नए कीवर्ड्स आपको जरूर से देखने को मिलेंगे, लेकिन जिसने ये कर लिया उसका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आपको कीवर्ड दिखाई देगा ड्यूरिंग, मतलब क्लास के चलते दौरान, व्हाइल, ये भी क्लास के चलते हुए, एट अ पर्टिकुलर टाइम आपको दिखाई देगा, देन टू गेन फीडबैक आपको दिखाई देगा, इनफॉर्मल होता है आपका ये वाला जो टाइप होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इन प्रोग्रेस होता है, ऑन गोइंग होता है। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि मैम ये क्या है, क्या हमें ये लर्न करने पड़ेंगे, तो बस थोड़ा सा वेट करना, क्वेश्चंस जैसे ही लगाओगे आपको लगेगा कि मैम ये मेरा फेवरेट पेज बन गया है एंड इसको करने के बाद मेरा कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं रहा है, अभी हम लोग करेंगे एंड आप लोग इसको खुद से टेस्टिफाई कर पाओगे। दूसरा जो है आपका सबमिटिव असेसमेंट। भाई फॉर्मेटिव तो हम लोग ने देख लिया कि पढ़ाई करते दौरान, वाइल, या फिर उसी पर्टिकुलर टाइम पे फीडबैक पाने के लिए इनफॉर्मल स्टाइल में होता है, ये सारी चीजें फॉर्मेटिव में आ गई। सबमिटिव बेटा आपका एट द एंड, जब पूरा साल खत्म हो जाने के बाद आपका सेमेस्टर एग्जाम होता है, आपके जो क्वार्टरली पेपर, फाइनल ईयर पेपर्स होते हैं,
उसको हम लोग कहते हैं सबमिटिव असेसमेंट। तो इसमें आप कीवर्ड लगा सकते हो कि वो एग्जाम, वो इवैल्यूएशन जो साल के बिल्कुल अंत में, एट द एंड ऑफ द ईयर, आखिर में आपसे लिया जाता है ये जानने के लिए कि आपका स्टैंडर्ड कितना है। आपको तब सबमिटिव असेसमेंट का इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चे को कितना आया, अब मैं कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज कर सकती हूँ, कुछ नहीं। आपका सबमिटिव असेसमेंट सिर्फ ये देखने का काम करता है कि पूरा साल जो पढ़ा आपके मार्क्स आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक मिल जाएगी, तुम फर्स्ट आए हो, तुम सेकंड आए हो, तुम फेल हो गए हो। ये होता है आपका सबमिटिव असेसमेंट, ठीक है। इट इज गिवन एट द एंड ऑफ द ईयर और यूनिट। सबमिटिव असेसमेंट्स असेस अ स्टूडेंट्स मास्टरी ऑफ अ टॉपिक आफ्टर इंस्ट्रक्शन। आपको कोई भी सब्जेक्ट, मुझे केमिस्ट्री कितना अच्छा आया, मुझे नहीं आया, इस पूरे साल में मैंने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कितने मार्क्स पाए हैं, ये साल के अंत में हमें पता लगता है। किसी के हाफ ईयरली, जैसे आपके लास्ट आपके 6 सेमेस्टर एग्जाम्स भी होते हैं, उसमें भी हम लोग को पता लगता है। तो ये हो जाएगा आपका सबमिटिव असेसमेंट। This contrasts with the formative assessment, which summarizes the participant's development at a particular time. यहाँ पे आपके formative की बात हो रही है कि formative में आप उसी particular time period में judge कर सकते हो कि बच्चे को वो मेरे एक definition, एक concept या फिर एक पन्ना जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं। Whereas आपका summative assessment are more reliable than the formative evaluations. It is formal in nature. आप लोग जो नेट का एग्जाम देने जाते हो वो आपका सबमिटिव इवैल्यूएशन के अंदर आ जाएगा कि पूरी तैयारी करने के बाद आप एग्जाम देते हो और या तो उसमें पास होते हो या तो फिर आपका एग्जाम नहीं निकलता है। ऐसा तो नहीं होता है कि बीच में टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जाम देके आ गए, थोड़ा सा पढ़ के फिर आप थोड़ा सा पीपल एनवायरमेंट का देके आ गए ताकि आपको पता चले कि अरे अभी मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं और पढ़ाई कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ऐसा तो नहीं होता है। तो सबमिटिव इवैल्यूएशन आपका पूरी पढ़ाई करने के बाद आपका स्टैंडर्ड तय करता है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट में मास्टरी आई है या अभी भी जीरो अंडा है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेमेस्टर एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, फाइनल ग्रेड्स, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगेन आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी गुड कीवर्ड पेज फॉर यू जो आपके काम आएगा। आपको एट द एंड जहां पे दिखाई देगा, फाइनल जहां पे दिखाई देगा, टू गिव ग्रेड्स एंड क्रेडिट्स जहां पे दिखाई देगा, फॉर्मल, कंडक्टेड पीरियोडिकली टू नो स्टैंडर्ड्स। बेसिकली स्टैंडर्ड का मतलब हुआ कि बच्चे को कितना आया है, उसकी क्लास में कितनी रैंक आई है, ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहता है आपका सबमिटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपका टॉपिक होता है खत्म। कुछ भी इसमें ज्यादा पढ़ने वाला नहीं था कि बड़ी आपकी लंबी क्लास चले। अब करो क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चंस करते करते ही आप इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि ट्रस्ट मी, यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज डन फॉर गिविंग ग्रेड्स, मार्क्स, क्रेडिट्स टू द स्टूडेंट्स। हम लोग ने अभी अभी इसको पढ़ा है, आपसे पूछा है यहाँ पे 4 टाइप के आपके इवैल्यूएटिव टाइप्स पूछे हैं। वो कौन सा इवैल्यूएशन का टाइप है जो आपके मार्क्स, ग्रेड्स, स्टैंडर्ड्स और क्रेडिट्स देने का काम करता है आपके बच्चों को? तो ये है हम लोग का सबमिटिव असेसमेंट। सम ऑफ द क्वेश्चन स्टार्टिंग में आई विल डू फॉर यू, लेकिन आगे के आपको करने पड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर है, जहाँ पे हम लोग ने जो कीवर्ड देखा था कि वो कौन सा असेसमेंट है जो क्रेडिट, ग्रेड्स एंड मार्क्स देने का काम करता है, वो है हम लोग का सबमिटिव असेसमेंट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आई टोल्ड यू कि ये पेज आपके दोनों बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। नाउ वी हैव क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसीलिए इसको पूरे पेज में फिक्स करना पड़ा, आप लोग कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला है हम लोग का फॉर्मेटिव असेसमेंट, देन वी हैव प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, देन वी हैव सबमिटिव एंड डायग्नोस्टिक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हम लोग ने प्लेसमेंट और डायग्नोस्टिक तो पढ़ा नहीं, तो इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। हमेशा जरूरी नहीं होता है कि आप पहले ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई करोगे, डेफिनेशन पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन के जरिए अगर आप किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हो तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग पॉइंट नंबर 1 को पढ़ेंगे। द पर्पस इज टू चेक द एप्टीट्यूड ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द कोर्स और सब्जेक्ट, एंट्रेंस एग्जाम कैन बी कंडक्टेड फॉर द सेम।
अब आप लोग को ये ध्यान देना है कि क्या मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी ये पढ़ा कि ये आपका ऐसे टाइप का इवैल्यूएशन है जो पढ़ाई करते करते हो रहा है, हम लोग ने नहीं पढ़ा। क्या ये आपका ऐसे टाइप का इवैल्यूएशन है जो पूरे साल के अंत में हो रहा है, जो स्टैंडर्ड जानने की कोशिश कर रहा है, हम लोग ने ये नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये हमारे प्लेसमेंट या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में से किसी एक का पार्ट है। ध्यान से इस कीवर्ड को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंट्रेंस एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम, किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, आपको वहां पे अपनी जगह चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो आपको एंट्रेंस पास करना पड़ता है। एंट्रेंस के बेसिस पे ही आपकी प्लेसमेंट या फिर एडमिशन होता है। तो जो भी आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है वो ऐसे एग्जाम्स होते हैं बेटा जो किसी पर्टिकुलर कोर्स या सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी देख के आपको एंट्री देने का काम करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। सीधी सी बात है, प्लेसमेंट तभी लगेगी जब एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करोगे, तो इसी के साथ आपका बन जाता है ये प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। ठीक है, तो इसका मतलब बी का वन मुझे मिल चुका है और मैं देखूंगी कि बी का वन कहाँ कहाँ है। हम लोग सेकंड में है और थर्ड में है, तो अब हम लोग आगे के ऑप्शन से जज कर पाएंगे और हम लोग के बाकी दो ऑप्शंस कट जाते हैं। ठीक है, वी ओनली हैव टू ऑप्शंस एंड हम लोग फटाफट ढूंढ लेंगे। पॉइंट नंबर सेकंड को हम लोग देखेंगे, इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट विद फीडबैक रिगार्डिंग हिज और हर सक्सेस और फेलियर इन अटेनिंग द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। वो कौन सा इवैल्यूएशन है जो आपके स्टूडेंट को फीडबैक देने का काम करता है कि उसको जो इंस्ट्रक्शंस मिले, जो मैम उसको क्लास में पढ़ा के गई, उसको वो समझ में आया भी या नहीं आया, ये कौन सा इवैल्यूएशन तय करता है। हम लोगों ने कीवर्ड देखा था, ये है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, जो पढ़ते पढ़ते ही टीचर और बच्चे दोनों को फीडबैक देने का काम करता है। इसका मतलब हमारे हमारे ए का सेकंड आंसर बन जाना चाहिए, जो कि मुझे अपने थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे गया है। ये मेरा आंसर होगा ही होगा। स्टिल हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। पॉइंट नंबर थ्री, द इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉसिबल कॉजेस फॉर प्रॉब्लम्स इन लर्निंग। बहुत ही अच्छा कीवर्ड है यहाँ पे आपका प्रॉब्लम। आपको जब कोई प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, और फिर उसका जो कॉज होता है वो बताता है कि ठंडी बर्फ वाला तुमने गोला खाया होगा, इसीलिए गला तुम्हारा जम गया है और अब मैं तुम्हें दवा दे रहा हूँ। तो डायग्नोस्टिक जो आपका इवैल्यूएशन होता है वो भी बच्चे की किसी कड़ी प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए बनाया जाता है। इसके साथ हम लोग को आंसर मिल गया है हमारे डी का थ्री, जो कि है आपका थर्ड ऑप्शन। एंड विद दैट आई हैव कम टू अ पॉइंट कि मेरा आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये था तरीका फटाफट से आंसर निकालने का। एंड आपको इसी के साथ साथ समझ में भी आ गया कि आपका फॉर्मेटिव क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सममेटिव क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है। आखिरी वाला पॉइंट अगर आप चाहो तो हम लोग पढ़ सकते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ जजिंग द वर्थ ऑफ अ प्रोग्राम एट द एंड ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटीज। बिना सोचे समझे मुझे मेरा कीवर्ड दिख गया, जो हम लोग ने ऊपर देखा था, जहां पे भी एट द एंड लिखा है, फाइनल लिखा है, आपका ये क्या होता है, सममेटिव असेसमेंट। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? आई होप इजी लग रहा होगा, क्वेश्चंस तुरंत आपके बन रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुट द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द लाइट ऑफ प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम। जो सबसे पहले पेज पे हम लोग ने पढ़ा था, कुछ उसी से ही आपका रिलेटेड है। आपको आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस बताना है। क्या आपके इवैल्यूएशन प्रोसेस में सबसे पहला पॉइंट होगा डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। आपने ऑब्जेक्टिव अभी तय भी नहीं किया, क्या आप पहले ही मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट की कैसे टेस्ट लेना है ये तय करोगे? तो ये तो नहीं होगा, मतलब कि ए मेरा पहले नहीं होगा। तो जितने भी ए में जहां मुझे पहले दिख रहे हैं उसको मैं कट कर दूंगी। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, भाई अभी टेस्ट हुआ ही नहीं तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा की तो बात ही नहीं है। पॉइंट नंबर सी, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड क्राइटेरियन। बिल्कुल सही मुझे मिल गया, हम लोग ने पढ़ा था कि आपकी जो टीचर होती है वो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव तय करती है कि उसको क्यों ये टेस्ट लेना है। उसके बाद मुझे ये ऑप्शन दिख गया है यहाँ पे सी वाला, एंड इसके बाद वो क्या करेंगी कि आपका टेस्ट कैसे होगा, डेवलपमेंट टूल्स को बनाएंगी, उसके बाद उसी डेटा को वो क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी, कलेक्ट करने के बाद आपको जजमेंट पास करेंगी कि भैया तुम पास हो गए हो या फिर तुम
फेल हो गए हो। तो ये था आपका एक सिंपल सा आंसर जो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। आप सब लोगों को दिख रहा होगा, फील हो रहा होगा कि ये कितने डिफिकल्ट टॉपिक्स लोगों ने बना के रखे हैं एंड कितनी आसानी से हम लोग के ये निकालते जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो लाइक तो जरूर से करिएगा, कमेंट भी करके जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन व्हिच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। हम लोग ने ये पढ़ा है कि फीडबैक देने का काम कौन सा इवैल्यूएशन करता है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू, जल्दी से कमेंट करो ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एंड आई एम डेड श्योर कि सारे बच्चों के चुटकियों में आंसर निकले होंगे, मैंने कंप्लीट भी नहीं किया होगा और आप लोग को आंसर पता चल गया होगा क्योंकि हमारा यहाँ पे फीडबैक है, फीडबैक, सॉरी हम लोग का यहाँ पे कीवर्ड है फीडबैक। ठीक है, तो सब बच्चों को आंसर अपना मिल चुका है। इट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो असेसमेंट जो आपके टीचर और स्टूडेंट दोनों को ही फीडबैक देने का काम करता है, इट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। अच्छा, आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट से बड़े क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम्स इवैल्यूएशंस अकर्स informally during instructions। दो कीवर्ड मिल रहे हैं हम लोग को, एक है आपका evaluation occur करता है informally, दूसरा आपका during the instructions। I am not going to give you a slightest of the hint। जल्दी से सारे बच्चे comment करना start कर दो कि इसका answer क्या होगा। Informal भी लिखा है, आपका during भी लिखा है, आपका आंसर अभी तक बन गया होगा बहुत ही इजिली एंड मजा आ रहा होगा आपको कि यार ये इतने अच्छी तरीके से मुझे कैसे आ रहा है। आपका आंसर है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये दोनों ही आपके कीवर्ड हैं। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन क्लासरूम टीचिंग बिहेवियर एज गिवन बिलो विल बी क्लासिफाइड एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। अभी तक हम लोग को मिल रहा था कि पहचानों की फॉर्मेटिव असेसमेंट के कीवर्ड्स मिल रहे थे, अब आपको अपने दिमाग के अकॉर्डिंग जज करना है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो ड्यूरिंग द क्लास होता है, वाइल द क्लास होता है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम होता है, फीडबैक देने का काम करता है, इनफॉर्मल होता है, वो इसमें से कौन सा बैठेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, The teacher asks questions to elicit classifications from the students. आपके formative assessment के अंदर क्या ये पहला point आएगा जहाँ पे आपके teacher आपसे पूछ लेती है कि बेटे जरा खड़े हो जाओ और मैंने जो पढ़ाया उसको categorize कर दो। जी हाँ, ये बिल्कुल आ जाता है। Summative में तो ये बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये साल के अंत में तो नहीं पूछा जा रहा है। Point number B, इसका मतलब A हम लोग को मिल गया है एंड जहां जहां मुझे A नहीं दिखाई देगा मैं उसको कट कर दूंगी। तो मुझे यहाँ ए नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ ए नहीं दिखाई दे रहा है। वी आर ओनली लेफ्ट विद टू ऑप्शंस। देन द टीचर स्पेसिफाइज द लेवल ऑफ मास्टरी अटेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। आपकी टीचर स्पेसिफाई करती है कि इतने आपके परसेंटेज मार्क्स तो आने ही चाहिए। तो ये अभी अगर आपको डाउटफुल लगता है तो आप इसको छोड़ के आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर सी देखेंगे हम लोग। The teacher prompts and probes the students while making presentation. अगर आपको confusion हो रही है कि मैम prompt probe क्या है, exam जब देने जाओगे तो याद नहीं आ रहा होगा, तो आपको क्या मदद करेंगे, मेरे keywords। While making the presentation, आपके टीचर आपको prompt करने की कोशिश कर रही है कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, probe करने की कोशिश कर रही है कि हाँ और बताओ और बताओ। While she is teaching you, तो भाई C तो आपका होगा ही होगा। A और C मुझे मिल गए हैं, आपके A और C मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। अब B और D ही deciding statement आपके बनेंगे। D हम लोग पढ़ते हैं, the teacher pauses for a few seconds, look at the students and ask them questions। आपकी टीचर थोड़ी देर के लिए रुक जाती हैं, आपके बच्चों से क्वेश्चन पूछती हैं एंड देन बच्चे को देखती हैं एंड उनसे क्वेश्चन पूछती हैं। तो ये तो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर आएगा और इसी के साथ मुझे मेरा आंसर मिल जाता है विच इज ए सी एंड डी। मुझे सोचना भी नहीं पड़ा कि मुझे बी की तरफ जाना है या नहीं। दिस इज हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चंस एंड विद इन सेकेंड्स यू आर एबल टू सॉल्व सच अ बिग क्वेश्चन। अक्सर होता क्या है कि नेट के एग्जाम वाले ना आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपका टाइम लेने के लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको बना के देते हैं एंड नो डाउट अगर मैं स्टूडेंट के नजरिए से देखूं तो उस टाइम पे लगता है कि और ये तो बड़ा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखना होगा, मुझसे कहीं मिस ना हो जाए। 10-10 बार बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ट्रस्ट मी इफ यू गो बाय माय कीवर्ड्स एंड अगर आप इनके नेट वालों की फालतू की बकवास पे ना जाके मेन 2-3 वर्ड्स को पकड़ोगे ना, ऐसे चुटकियों में आपके आंसर निकलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
Point number seven, question number seven. Which of the following assessment procedures is conducted during and in a progress teaching learning session? A very, very easy keyword I have got over here. And jaldi se sare bachche comment kar do aur batana start kar do ki during and in progress teaching learning session mein kaun sa hoga bhai? Summative hoga, formative hoga, norm referenced hoga, criterion referenced hoga. By the way, hamari jo next class hogi usme norm and criterion reference again very, very important topics wo aapko kal hi, aaj hi ke din mil jayenge. शाम के टाइम, ठीक है? तो जरूर से आप लोग इसको भी कंटिन्यूअसली देख लेना. आई होप आप लोग ने आंसर कर लिया होगा अभी तक, जो कि है हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि हमारा यहाँ क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एंड इन गोइंग प्रोग्रेस. अगर आपको अच्छा लग रहा हो कि यार आज तो बिल्कुल मजा आ रहा है मुझे ये टॉपिक करके, एंड आई एम फीलिंग सो कॉन्फिडेंट, मैम के बताने से पहले ही मेरे आंसर निकल आ रहे हैं, सो फील थैंकफुल एंड ऑल्सो डू कमेंट मी डाउन बिलो कि मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? अक्सर बच्चे देखते तो है, रिसीव करते हैं, अच्छा भी फील करते हैं, पर बताते नहीं है, तो आई डू नॉट कम टू नो कि वट एवर आई एम टीचिंग, मुझे फीडबैक नहीं मिलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को काम भी आ रहा है या नहीं. ओके, अ कॉलेज टीचर कंडक्ट्स अ क्विज सेशन. आपकी कॉलेज की टीचर एक छोटा सा क्विज सेशन करा देती हैं विद अ व्यू टू एक्सेलरेट द टेम्पो ऑफ मोटिवेशनल पार्टिसिपेशन. कभी कभी बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं कि नहीं मैम आज तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो आपकी टीचर कहती है कि चलो छोटा सा एक क्विज सेशन करते हैं ताकि उनको बच्चे मोटिवेट हो जाए, व्हाट पंप अप हो जाए, उनको मजा आने लगे. तो ये जो आपका इवेल्युएशन प्रोसेस है, अगेन आप लोग बताओ कि सबमिटिव में आएगा, सीआरटी में आएगा, फॉर्मेटिव में आएगा या डायग्नोस्टिक में आएगा. जल्दी से आप लोग कमेंट करिए और बताइए. हम लोग ने ये भी किया हुआ है कि क्विज सेशन आपका कौन से टाइप के फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा. हमेशा कीवर्ड से काम नहीं चलेगा आपका, किस टाइप के टेस्ट आते हैं फॉर्मेटिव के अंदर एंड सबमिटिव के अंदर, उससे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल सा आंसर है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट भाई. क्विज सेशन आपका साल के अंत में स्टैंडर्ड जानने के लिए तो नहीं कराया जाता है, वो क्लास में इंटरेक्शन बेसिस पे होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे टॉपिक्स आए हैं इस छोटे से आपके टॉपिक से. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ असेसमेंट इज कंडक्टेड पीरियोडिकली विद एन आई ऑन स्टैंडर्ड्स. अगेन वी हैव टू कीवर्ड्स. सबसे पहले तो बोला है कि टाइम टू टाइम पे आपका जो ये कराया जाता है कि आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है, फाइनल एग्जाम हो रहा है, पीरियोडिकली कराए जाते हैं. किसी किसी स्कूल्स में हम लोग के टाइम पे ना 3 बार होते थे आपके, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड देन हमारे फाइनल्स. तो 3 बार एक साल में एग्जाम होते थे, बड़ा दिमाग खराब हो जाता था. विथ एन आई ऑन स्टैंडर्ड्स, तो स्टैंडर्ड कौन सा जज करने की कोशिश करता है? आपका सबमिटिव असेसमेंट जज करने की कोशिश करता है कि बच्चे को जितना पढ़ाया उतना आया, उसके बेसिस पे उसका स्टैंडर्ड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ असेसमेंट द पोटेंशियल फॉर इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ऑप्टिमम. अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़ा अलग क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया, ना कोई कीवर्ड दिखाई दिया, ना मुझे समझ में आ रहा है कि इसका क्या होगा. ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो. यहाँ पे आपको कीवर्ड दिया हुआ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चंस आपके आएंगे. आपसे पूछा है वो कौन सा मोड ऑफ असेसमेंट है जो आपकी पोटेंशियल रखता है एक बच्चे के अंदर के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मेटिव आपका इवैल्यूएशन होगा भाई. अंदर का मोटिवेशन आपका तभी बढ़ेगा जब आपका मैम ने पूछा कि अच्छा तुम खड़े होके बताओ इसकी डेफिनेशन, एंड आपको वो आती है, आपने बता दी, आपका मोटिवेशन अपने आप ही पंप अप हो जाएगा, आपको बड़े मजा आ जाएगी. एंड अगर नहीं आप आंसर दे पाए तो भी आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार कान खोल के सुनो जो मैम बता रही है, या फिर मैं घर जाऊंगा और उसको अच्छे से तैयारी करूंगा. तो मोटिवेशन का जो आपका फैक्टर है वो आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएगा. सबमिटिव में तो भाई आप कुछ नहीं कर सकते कि साल के अंत में गए आपने एग्जाम दिया, या तो पास हुए या तो फेल हुए, इसमें आपके मोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं होता है. तो ये है आपका आंसर व्हिच इज फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. एक और क्वेश्चन है हम लोग के पास, उसको भी देख लेंगे. विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. अब आपसे कोई कीवर्ड नहीं पूछा है, आपका ऑब्जेक्टिव पूछा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का. To promote students to the next class, भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. To enhance students learning, learning को enhance करने के लिए formative assessment इस्तेमाल किया जाता है, ये हो सकता है. To enhance cooperation in the class,
ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. टू अंडरस्टैंड द लर्निंग डिफिकल्टी, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ये समझने में आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन काम आता है, नहीं, ये वाला आपका है डायग्नोस्टिक. अगर आपसे पूछा जाता कि आपके बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, उसकी प्रॉब्लम आप ढूंढना चाहते हो, तो वो आपका डायग्नोस्टिक का पार्ट बन जाएगा. हमारा सीधा सा आंसर बन जाएगा कि किसी भी लर्निंग को एनहैंस करने के लिए जो इवैल्यूएशन किया जाता है और बेहतर बनाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट. क्लियर है सारे बच्चों को? मजा आ गई होगी आपको आज की क्लास करके. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12. बिलो आर लिस्टेड सम एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय अ टीचर. टीचर ने कुछ एक्टिविटीज आपकी कराई हैं. विच एक्टिविटीज आर ऑफ द नेचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. आपकी टीचर ने कुछ एक्टिविटीज कराई हैं, आपको इसमें से छांटना है और बताना है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के अंदर कौन सी एक्टिविटी आएगी. तो गिविंग अ मास्टरी टेस्ट, आपने एक मास्टरी वाला टेस्ट दिया जो जज करता है कि आपको वो टॉपिक आया या नहीं. इस पे अभी हम लोग को पूरी तरीके से पक्का नहीं पता है कि ये साल के अंत के मास्टरी के बारे में बात कर रहा है या फिर आपके एक टॉपिक की, तो इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, आगे बढ़ेंगे. कंडक्टिंग अ क्विज सेशन, क्विज सेशन हम लोग ने पढ़ा है, बी तो आपका पक्का होगा ही होगा. ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे बी नहीं है? नहीं, बी तो आपका चारों में है. ठीक है भाई, पॉइंट नंबर 3 को देखेंगे. इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट्स इन ग्रेडिंग सिस्टम, क्या आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी भी ग्रेडिंग देने का काम करता है? बिल्कुल भी नहीं. इसी के साथ जहां जहां मुझे सी दिखाई देगा आई विल कट दोस ऑप्शंस. और इसी के साथ हम लोग को आंसर मिल जाता है, प्रोवाइडिंग फीडबैक व्हाइल टीचिंग, बिल्कुल सही. Encouraging students to reflect more, बिल्कुल सही. आंसर मुझे मिल गया बी डी एन ई. देख रहे हो गए आप लोग और जज कर पा रहे हो गए कि कितनी ईजी तरीके से आंसर्स निकलते हैं. बेकार नहीं बच्चों को डरा के रखा है टीचर्स ने. ठीक है, ये हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के करेक्टरिस्टिक बताओ. क्या ये इवैल्यूएशन आपके अकर्स एट अ टर्मिनल पॉइंट? ठीक है, अब ये टर्मिनल पॉइंट क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे. इवैल्यूएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, क्या आपका ये इवैल्यूएशन बिफोर प्रोग्राम डिजाइन होता है? ये भी कुछ समझ में हम लोग को नहीं आ रहा है. इवैल्यूएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग. ठीक है, क्या आपका इवैल्यूएशन लर्निंग का, पूरी लर्निंग का आउटकम क्या निकला उसको जज करने के लिए आपका बनाया जाता है, या फिर इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग? भैया मुझे ड्यूरिंग मिल गया, मुझे मेरा आंसर मिल गया, मुझे मेरे ऑप्शन से और कोई मतलब नहीं है. तो ये देखो, ये है पावर आपके कीवर्ड से. हम लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाई करना बच्चे का टाइम खराब किए बिना. पॉसिबल है इस तरीके की पढ़ाई कराना जहां पे घंटों घंटों लेक्चर ना दिए जाके बिल्कुल कट टू कट आपको पढ़ाया जाए. आप लोग फील कर पा रहे होंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेशन कि हम लोग ने एक टॉपिक पढ़ाया है और उसके इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद हम लोग कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं. फर्क नहीं पड़ता है बेटा कि आप एक टॉपिक को कितना ज्यादा पढ़ते हो, फर्क पड़ता है कि एक टॉपिक से आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाते हो. एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर पीवाईक्यूज. यही आपको एक्चुअल में जज करके बताएंगे कि आपको वो टॉपिक आया भी है या फिर एवं ही बस पढ़ते चले जा रहे हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. द गोल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू, आप देख पा रहे होंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से कितने ज्यादा क्वेश्चंस आए और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हैं. क्या आपके स्टूडेंट को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना? बिल्कुल भी नहीं. मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक. भाई ऑनगोइंग भी देख लिया मैंने, फीडबैक भी देख लिया. आई कैन गिव यू इन रिटन, यही हमारा आंसर होगा. लेकिन फिर भी टू बी श्योर हम लोग आगे बढ़ेंगे. एंड एग्जाम में ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. आंसर मिल जाए ना तो एक जल्दी से बाकी ऑप्शंस पे एक नजर मार लेना. कंपेयर द स्टूडेंट लर्निंग अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क. बिल्कुल नहीं. फॉर्म अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग. बिल्कुल भी नहीं. तो मुझे मेरा आंसर मिल गया विच इज पॉइंट नंबर 2. ऑनगोइंग मुझे दिख गया था, फीडबैक मुझे दिख गया था. ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14. और इसी के साथ हम लोग ने एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए. मजा आई हो आज की क्लास को देख के, कॉन्फिडेंट फील हुआ हो तो लाइक करिएगा,
कमेंट जरूर से बेटा करके जाया करो, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन फॉर मी, कि मुझे फीडबैक मिलता है कि बच्चों को समझ में आ भी रहा है या नहीं. देन इफ यू लाइक माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, शेयर करो, बाकी लोगों तक भी आप पहुंचाओ. ये मेरे लिए आपकी तरफ से एक हेल्प होगी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी अगर ये वीडियोज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं. यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू वॉन्ट टू फॉलो माई स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड दी सीरीज फॉर फ्री. एंड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल and ask any problem that you are facing in any of the topics regarding English literature or your paper one. I will be very glad and happy to help you people. Okay, so with that, we have come to an end of an amazing class and session. I am going to meet you up next in a yet another interconnected videos, which is again going to be very, very helpful and enjoyable for you. So up till then, bye and take care.